तेरी प्यारी प्यारी सूरत को, हाय तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बदूर मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे चश्मे बदूर। जी मैं हूँ बंकिम पाठक, गुजरात से आया हूँ, अहमदाबाद का रहने वाला हूँ और स्टेज सिंगिंग में मैंने 50 साल गुजारे हैं और इस 50 साल में मैंने देश विदेशों में, अपने देश में, अपने गुजरात में 5,000 से भी ज़्यादा शो करने का एक मुझे विश्व रिकॉर्ड भी मिला है। गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से गौरव पुरस्कार भी मुझे मिला है। आज मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं हिंदुस्तान के, इंडिया के प्रेसिडेंट के हाथों अवार्ड लेने के लिए जब जा रहा हूँ तो मैं बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूँ कि भारत सरकार ने प्यार और मोहब्बत के साथ हमको सराहाया है और इस काबिल समझा है कि हम इस अवार्ड के लेने के लिए काबिल हैं। तो मैं बहुत ही खुश हूँ इस बात से। छोटे से इंसान की स्ट्रगल के बाद ही इंसान टोच पर पहुँच सकता है। ख़ास करके मैं ये हमेशा कहना चाहता हूँ दोस्तों कि विकलांग को एक बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ दिया है हमारे प्रधानमंत्री श्री ने, दिव्यांग को जो दिव्य का अंग दिया है वो एक बहुत ही खूबसूरत हमें शब्द दिया है, तो मैं अभी दिव्यांग ही यूज़ करूँगा। तो दिव्यांग के इंसान जब आप देखते हैं तो चेहरे पर कभी शायद ही आप उनके चेहरे पर मायूसी देखेंगे, वो हंसता हुआ हमेशा नज़र आएगा आपको। किसी भी आप दिव्यांग को देखिए, वो कभी उनकी शक्ल रोती हुई नहीं होगी, मुझे यकीन है दोस्तों। मैं दिव्यांगों के लिए ये कहना हमेशा चाहता हूँ दोस्तों कि कभी भी अपने आप को मायूस न करें, क्योंकि आत्मनिर्भर अगर आप रहोगे तभी ये समाज में आप रहोगे, क्योंकि समाज एक ऐसा है कि दौड़ता हुआ है। अगर दौड़ते हुए के साथ आप दौड़ोगे नहीं, चलोगे नहीं, फास्ट नहीं चलोगे तो समाज आपको पीछे छोड़कर चला जाएगा। इसके साथ मैं कहता हूँ कि हर दिव्यांग को इनके रफ्तार के साथ हमें चलना है और लोगों को मैं सिर्फ इतना ही कह देता हूँ कि इन लोगों को दया की ज़रूरत नहीं है, उनको सपोर्ट चाहिए, बस उंगली पकड़िए वो आगे निकल जाएगा।